नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या HCQS या क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट इन COVID-19 पेशेंट्स और क्लोज कॉन्टैक्ट्स। देखिए, ये जो क्लोरोक्वीन है या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, ये बहुत पुरानी दवाई है और भारत के डॉक्टरों को और यहाँ के मरीजों को इसको लेने का तजुर्बा बहुत सालों से है। ये जो न्यूज़ थी कि ये जो दवाई है ये कोरोना के पेशेंट्स में फ़ायदेमंद हो सकती है, 7 मार्च को पब्लिश हुई। जो स्टडी आई वो चाइना बीजिंग से आई। अभी हम इन स्टडीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये दवाई जो रिकमेंडेशन है वो आजकल किस प्रकार से लेनी चाहिए, क्या सभी लोगों को लेनी चाहिए। जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं उन मरीजों के लिए ये दवाई की डोज 200 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे फॉर 10 डेज रिकमेंड की गई है और खास तौर पे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर या मॉडरेटली सीवियर केसेस के अंदर। आम जनता को ये दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स की देखभाल में लगे हुए हैं, उन लोगों को ICMR के द्वारा इस दवाई को प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया गया है। प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जो लोग इस बीमारी से पीड़ित नहीं हैं उन लोगों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए दवाई दी जाती है और उसके अंदर जो दवाई रिकमेंड की गई है जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, वो उसकी डोज है 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन और उसके बाद 400 मिलीग्राम पर वीक फॉर 7 वीक्स। जो लोग कोरोना पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं हाउस के अंदर, आइसोलेशन के अंदर, और कोरोना पेशेंट्स के क्लोज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके लिए जो डोज है वो 400 मिलीग्राम BD फॉर डे 1 और उसके बाद 400 मिलीग्राम वीकली फॉर 3 वीक्स। ये जो रिकमेंडेशन है ये ICMR के द्वारा रिकमेंडेशन है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि ऑरेंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा इस दवाई को ट्रीटमेंट के लिए किसी भी स्टेज पर रिकमेंड नहीं किया गया है। भिन्न भिन्न हॉस्पिटल्स अपने अनुसार इसका ट्रीटमेंट के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। साइंटिफिक एविडेंस में जाने से पहले इस दवाई के साइड इफेक्ट्स के ऊपर चर्चा। ये दवाई कुछ लोगों में उल्टी का शिकायत होना, पेट खराब करना, लूज मोशंस की शिकायत कर सकती है। कुछ लोगों में QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकती है, कार्डियोमायोपैथी कर सकती है जिसकी वजह से लोगों को अरिथमियाज हो सकते हैं। इसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी और बोन मैरो डिप्रेशन भी रिपोर्टेड है और जो लोग इस दवाई को बहुत लंबे समय तक लेते रहे हैं उन लोगों को रेटिनोपैथी की शिकायत भी हो सकती है। अब इस दवाई के बारे में कुछ प्रश्न जो लोग पूछना चाहते हैं कि क्या जिन लोगों को इस दवाई से एलर्जी है या और दवाइयों से एलर्जी है उनको ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों को ये दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दवाई कोई भी पूर्णतः से प्रूवन दवाई नहीं है और अभी ट्रायल स्टेज में है। कुछ लोगों को ये दवाई काफी ज्यादा हीमोलिसिस कर सकती है। क्या हम सभी लोगों को G6PD डेफिशिएंसी की टेस्टिंग करनी चाहिए? जी नहीं, टेस्टिंग करने का कोई अभी तक रिकमेंडेशन नहीं है। जिन लोगों को G6PD डेफिशिएंसी है और जिन लोगों को पहले से हीमोलिसिस हो चुका है उन लोगों को ये दवाई नहीं देनी चाहिए। इस दवाई के साथ किन दवाइयों का इंटरेक्शन हो सकता है? कुछ दवाइयां जैसे क्यूनोलॉन्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिसिन आदि दवाइयां इसके साथ नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर दोनों दवाइयां दी जाती हैं तो इससे QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और पेशेंट्स को अरिथमिया का खतरा बढ़ जाता है। एक दवाई होती है लोपिनवीर, वो भी इस दवाई के साथ नहीं दी जाती है और ये दवाई एक HIV के अगेंस्ट यूज की जाने वाली मेडिसिन है जो कि कोरोना के पेशेंट्स में भी यूज की जा रही है। एक प्रश्न उन मरीजों के मन में कि जो लोग HCQS आर्थराइटिस वगैरह के लिए बहुत समय से खा रहे हैं, क्या उन लोगों को अपनी दवाई की मात्रा बढ़ानी चाहिए
या उनको रोकनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए, या उनको अगर कोरोना हो जाता है तो क्या उनको अपनी डोज ऑल्टर करनी चाहिए। देखिए, जो मरीज आर्थराइटिस के हैं और SCQS ले रहे हैं, वो अपनी दवाई को उसी खुराक में लेते रहें, ना उनको बढ़ाने की आवश्यकता है ना ही कम करने की आवश्यकता है। अगर किसी मरीज को कोरोना हो जाता है तो उस दवाई को बंद करना है या नहीं बंद करना है, इस बात का जो निर्भर करेगा वो उस मरीज के क्लिनिकल सिम्टम्स पर निर्भर करेगा, और जो डॉक्टर लोग इसका इलाज कर रहे हैं वो उस वक्त उसकी मरीज की कंडीशन को देखते हुए इस विषय में उचित फैसला लेने के लिए सक्षम होंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बेसिकली क्लोरोक्विन का एक एक्टिव स्वरूप है। क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इससे काफी लोगों का पेट खराब हो जाता है, अतः डॉक्टर लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रेफर करते हैं, और ये हमारे समाज में हमारे केमिस्ट शॉप पर आराम से मिलती है। हमारा इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये दवाई बहुत महंगी नहीं है। अतः ये है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोली, जो कि HCQS के नाम से बाजार में मिलती है, 200 मिलीग्राम की गोली। अब बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस की। क्या साइंटिफिक एविडेंस है जिसके अंदर ये बताया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए कारगर हो सकती है? इसका सबसे पहला जो एविडेंस है वो बीजिंग चाइना से आया, जहां साइंटिस्ट ने ये पाया कि लेबोरेटरी के अंदर अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस के ऊपर डाली जाए तो कोरोना वायरस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, कोरोना वायरस का डिके शुरू हो जाता है। दिस वॉज ओनली ए लेबोरेटरी एविडेंस, दैट इज ओनली दी इन विट्रो एविडेंस, और ये पेशेंट्स के ऊपर स्टडी नहीं थी। ये स्टडी 7 मार्च को पब्लिश हुई। उसके बाद पहली जो स्टडी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर आई वो मार्सियल फ्रांस से आई, जिसके अंदर वहां के साइंटिस्ट डीडिलियो रेनॉल्ड ने शोध करके ये लिखा कि उन्होंने 25 मरीजों के ऊपर इस दवाई का प्रयोग किया, और उसमें ये पाया कि 6 दिन जो है वो मरीज 75% के करीब मरीज जो है कोरोना वायरस से निगेटिव पाए गए, जबकि नॉर्मली जो है 6 दिन लगभग 90% मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव रहते हैं और उनका RT-PCR पॉजिटिव आता है। लेकिन ये जो स्टडी थी कुल 25% मरीजों की स्टडी थी, और इसके अंदर कोई क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट या सिम्टम्स की इम्प्रूवमेंट की बात नहीं की गई। लेकिन इस स्टडी के आते ही, बल्कि स्टडी के आने से पहले ही मार्केट में हड़कंप मच गया और ये दवाई केमिस्ट शॉप पे से गायब होने लगी, और इस दवाई को भारत सरकार को शेड्यूल H1 ड्रग घोषित करना पड़ा और ऑन दी काउंटर प्रिस्क्रिप्शन सेल इस दवाई का बंद करना पड़ा। इसके बाद एक स्टडी और आई जो कि 27 मार्च को पब्लिश हुई है। ये स्टडी भी उन्हीं ऑथर्स के द्वारा मिशेल फ्रांस से आई है, और इसके अंदर ये देखा गया कि 7वें दिन जो है 83% पेशेंट्स वो नेगेटिव हो जाते हैं अगर उनको एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों दी जाएं, और 8वें दिन जो है लगभग 93% पेशेंट जो है नेगेटिव हो जाते हैं कोरोना वायरस से अगर उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाए। और इस स्टडी में पहली बार साइंटिस्ट ने ये लिखा कि पेशेंट्स के अंदर जो क्लिनिकल सिम्टम्स थे वो भी कम थे बनिस्बत उन पेशेंट्स के जिनको ये कॉम्बिनेशन एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नहीं दिया गया। अब चर्चा करते हैं कि क्या ये स्टडीज इतनी बड़ी स्टडीज हैं कि इनको एक साइंटिफिक एविडेंस माना जाए। देखिए, कुल मिलाकर के 105 पेशेंट्स का एविडेंस हमारे सामने उपलब्ध है, जिसकी वजह से लाखों डॉक्टर और करोड़ों पेशेंट्स इस दवाई को लेना चाहते हैं, क्योंकि दवाई जो है हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो बहुत हैं लेकिन बहुत कम पेशेंट्स में देखे जाते हैं, और काफी सस्ती दवा है, और लोगों को लगता है कि ये रामबाण दवा हो सकती है और इसके खाने से वो कोरोना के होने से बच सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पैनिक रिएक्शन है, और इतनी जल्दी इतने छोटे डेटा के ऊपर रिलाई करना उचित नहीं होगा। ये भी देखना काफी रोचक होगा कि क्या ये दवाई
उन मरीजों को कोरोना से बचाने में सक्षम है जो मरीज इस दवाई का प्रयोग बहुत समय से कर रहे हैं। एक चर्चा क्लोरोक्वीन के ऊपर, क्लोरोक्वीन जो दवाई है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्राय स्वरूप है और क्लोरोक्वीन जो यूज हो रही है वो अभी इटली में यूज हो रही है और वहां से बहुत सारा डाटा अभी नहीं आ रहा है। जब ये डाटा आएगा तब इसके बारे में पता चलेगा। ये जो फ्रांस मिसील से स्टडी आई इसके बारे में ये कहा गया और ये इस स्टडी की वीकनेस है, ये स्टडी अनब्लाइंडेड स्टडी है और इसके अंदर बहुत जल्दीबाजी में कुछ पेशेंट्स को रिक्रूट कर लिया गया और हो सकता है कि वो पेशेंट जो है माइल्ड डिसीज के पेशेंट्स हों और माइल्ड डिसीज के अंदर आप सभी जानते हैं कि 80-82% पेशेंट बिना किसी दवाई के भी ठीक हो जाते हैं और ये समझना कि वो ये दवाई की वजह से ठीक हुए या दवाई की वजह से उनके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स कम हुए ये एक बहुत बायस्ड वर्जन भी हो सकता है। अतः इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करना उचित नहीं होगा और हमें और अधिक डाटा की आवश्यकता होगी और अधिक स्टडीज के बारे में जानकारी की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको HCQS के बारे में जुड़ी हुई भ्रांतियाँ कम हुई होंगी। प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग लार्ज नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच।